खान को लेकर आखिर पलक तिवारी ने जो कमेंट किया था कि सलमान खान जो है वो चाहते हैं कि सेट पर जब लड़कियां आए तो वो अपन कपड़ों को लेकर जो कमेंट उनका किया था नेक लाइन वाला, उन सारे कमेंट्स पर आखिर अब पलक तिवारी का क्या रिप्लाई आया है, क्या बातें पलक तिवारी बोल रही हैं, और हो ना हो ये जो कमेंट पलक तिवारी ने इसके पहले दिया कि सलमान सर जो है उनके सेट पर बहुत ही स्ट्रिक्ट पाबंदी है लड़कियों को कपड़ों को लेकर, कपड़ों के बारे में, कपड़ों को लेकर किस तरह ये कपड़े पहनने हैं, ये स्टेटमेंट शायद अब पलक तिवारी पर थोड़ा सा बैकफायर करता हुआ दिख रहा है। इस वजह से उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था उसको अब थोड़ा सा दोबारा से वो कह रही है कि यार मेरा स्टेटमेंट जो है शायद लोगों ने गलत समझ लिया उस स्टेटमेंट को, और उस स्टेटमेंट को वो करेक्ट करने की भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन आखिर जब उनको करेक्ट ही करना था तो फिर पहले उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट ही क्यों दिया, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो इस बार उन्होंने उसको करेक्ट करते हुए क्या कहा है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर और पूरी अपडेट। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूस और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। पलक तिवारी जो किसी का भाई किसी की जान मूवी में भी है, और ये कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है वो पलक तिवारी का डेब्यू मूवी हो सकता है बॉलीवुड में, डेब्यू मूवी है। और आपको बता दूं कि पलक जो है वो सुपरस्टार एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी है। तो हाल ही में अभी बीच में एक स्टेटमेंट दिया था पलक तिवारी ने, ये कहते हुए कि सलमान सर जो है उनके सेट पर कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं लड़कियों के लिए कि नेक लाइन जो है वैसे कपड़े नहीं पहनने हैं। लेकिन अब पलक तिवारी ने शायद अपने स्टेटमेंट से थोड़ा सा मुकरती हुई दिख रही हैं, या फिर उनका ये कहना है कि मेरा स्टेटमेंट जो है वो मिसअंडरस्टूड किया गया है। अब पलक कहती हैं कि सलमान सर जो हैं, मेरा ये कहने का मतलब था कि उनके सेट पर जो है, जो मैंने बोला था कि कपड़े जो हैं, मतलब मेरे हिसाब से बीन अ गर्ल मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो हैं वो ज़्यादा रिवीलिंग नहीं होने चाहिए, इस वजह से मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। लेकिन सलमान सर ने हमेशा सेट पे यही चीज़ बोली कि जो पहनना है पहनो, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि जब अंतिम मूवी बन रही थी मैं वन ऑफ दी एडी थी उस मूवी में, और उस मूवी में थी तब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली थी। और जब मैं सेट पर जाती थी तो मैं घर से एकदम वेल ड्रेस्ड होकर जाती थी, जैसे शर्ट और कुछ भी रिवीलिंग कपड़े नहीं। तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा भी था कि अगर ऐसे कपड़े कहाँ पर जा रही हो, जिस पर मैंने रिप्लाई किया था कि सलमान सर के सेट पर, तो मम्मी ने भी उस पर जो कमेंट किया था वो वेरी गुड ही था। लेकिन मेरा ये कहना है कि सलमान सर यही मानते हैं कि लड़कियों को जो है ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो पूरा कवर अप हो, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि हमारे आसपास कैसे लोग हैं। सबसे पहली चीज़ तो सलमान सर का ये मानना है कि उन मतलब हमारे आसपास कोई भी हो सकता है जो हमको नहीं पता, उस वजह से हमको अपने जो कपड़े पहनते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सलमान सर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और जो जिन लड़कियों को जानते हैं अपनी लड़कियों के लिए, अपने फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं वो, ये स्टेटमेंट पलक तिवारी ने दिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।